-50 डिग्री सेल्सियस बर्फबारी के बीच टटी सेना, रेगिस्तान के 50 डिग्री सेल्सियस में रेत भरी आंधी से जूझते जवान, समंदर के रास्ते आने वाली हर मुसीबत के लिए तैयार नौसेना, अप्रत्याशित मौसम से जूझते जवान, एयरमैन की हिम्मत और लगन, तटों की रक्षा में तैनात कोस्ट गार्ड, हवा समंदर और जमीन हर तरफ तैनात देश के बहादुर सिपाही, आजादी के 70 सालों में भारत की तरक्की में आने वाले हर कांटे से लड़े हैं आप, मुल्क की सेवा को अपना धर्म बनाया है आपने, देश की सेवा के साथ अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के बारे में भी सोचा है आपने, और इस देश के भविष्य के लिए वोट भी तो दिया है आपने। कोशिश हमेशा रहती है कि हमेशा देने की, पर क्योंकि नेवी सर्विस है और हमें सी सर्विस करनी पड़ती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम वोट नहीं दे पाते। आइए देखें कि एक सर्विस वोटर के रूप में आप कैसे वोट दे सकते हैं। क्या बात है यादव, तुमने अपने आप को सर्विस वोटर के रूप में रजिस्टर किया कि नहीं? ये सर्विस वोटर क्या होता है? देखो, कोई भी व्यक्ति जो भारतीय सेना में है, वायु सेना में है या जल सेना में है, कोई भी व्यक्ति जो आर्मी एक्ट 1950 के तहत किसी केंद्रीय बल में है, जो भी व्यक्ति स्टेट आर्म पुलिस फोर्स का मेंबर है और अपने राज्य से बाहर पोस्टेड है, या फिर कोई भारत सरकार की सेवा में विदेश में पोस्टेड है, ये सब सर्विस वोटर की कैटेगरी में आते हैं। सर्विस वोटर्स अपनी पत्नी को भी सर्विस वोटर के तौर पे रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर पत्नी सर्विस वोटर के साथ उसके प्लेस ऑफ पोस्टिंग में रहती हो तो? देखो, ऑनलाइन जाना है www.servicevoter.nic.in पे, उस पे जाके फॉर्म नंबर 2 डाउनलोड करके भरना है। ये सब भर के रिकॉर्ड ऑफिसर या फिर अपने यूनिट ऑफिसर के पास सबमिट करना है। प्रॉक्सी वोटर के जरिए भी आप अपना वोट डाल सकते हैं। प्रॉक्सी वोटर मतलब? मतलब तुम अपनी जगह किसी को नॉमिनेट कर सकते हो वोट देने के लिए। और अगर तुम किसी पीस स्टेशन पे पोस्टेड हो गए तो तुम जनरल वोटर बन सकते हो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन वोट कैसे देंगे? देखो, डिटेल में समझना है तो JCO साहब के पास चलना पड़ेगा, मैं वही जा रहा था, चलोगे? हाँ, चलेंगे चलेंगे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर होता है और ये फार्म 13A यानी डिक्लेरेशन बाय द इलेक्टर होता है, और साथ में दो लिफाफे होते हैं, एक 13B यानी छोटा लिफाफा और एक 13C यानी बड़ा लिफाफा होता है। इस पर तुम जिस भी कैंडिडेट को अपना वोट देना चाहते हो टिक मार करो, इसे मोड़ कर ये छोटे लिफाफे में डाल दो। कि फार्म 13A यानी डिक्लेरेशन बाय द इलेक्टर, इसको भर कर साइन कर दो और अपने कमांडिंग ऑफिसर से इसको अटेस्ट करवा लो, और इस छोटे लिफाफे के साथ इस बड़े लिफाफे में इसको डाल दो। अब इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिकली हमारे पास बैलेट को भेजने का प्रबंध कर रहा है, यानी डाक से आने वाला जो समय होता है वो बच जाएगा और हमारा वोट वक्त पे निर्वाचन आयोग तक पहुंच जाएगा। इसे डाउनलोड करने के लिए रिकॉर्ड ऑफिसर, यूनिट ऑफिसर या हमसे जुड़े जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं उनके पास से एक OTP यानी वन टाइम पासवर्ड मिलता है, जिसको डालकर ये फॉर्म प्रिंट हो जाता है, और डिक्लेरेशन फॉर्म और बैलेट पेपर के साथ इसके साथ दो स्टिकर प्रिंट होता है, एक स्टिकर फॉर्म 13B यानी छोटे लिफाफे पर और दूसरा स्टिकर फॉर्म 13C यानी बड़े लिफाफे पर चिपकाना होता है। बाकी की प्रक्रिया बिल्कुल वैसे ही है जैसे नॉर्मल पोस्टल बैलेट किट की होती है। इतना आसान होता है सर सर्विस वोटर के लिए वोट देना? सर, अब मैं एक भी वोट अपना बर्बाद नहीं होने दूंगा। इस मुल्क की ताबीर में तेरा खून भी है, तेरी कुर्बानियां भी, याद रखना के मुल्क ये महफूज है क्योंकि तू है। इस मुल्क का जर्रा जर्रा कर्जदार है तेरा, तेरे खून की हर एक बूंद से तूने इसे सवारा, तेरे मुल्क को हर दम तेरा साथ है जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी।
आज ही खुद को एज अ सर्विस वोटर www.servicevoter.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्टर करें। आप फॉर्म डाउनलोड करके ऑफलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं।